Hi friends, this is Shivani. Welcome back to my channel. आज हम देखने वाले हैं What My Baby Eats in a Day. If you are new to my channel, my baby is 15 months old. And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And let's get started. For breakfast, I'm going to make a banana blueberry pancake. So for that, I'm going to use one whole banana cut into small pieces and some blueberries. Also taking 1.5 spoons of wheat flour. Now I'm adding bananas and blueberry into the wheat flour and just mix it very well. So now I'm just adding about 1/2 spoon of ghee. I'm using ghee because it's a healthy fat. You can totally skip the step if you want. After mixing all the ingredients, you can see the texture of the pancake. It's really delicious. Here I'm taking one pan on medium flame, and after heating the pan, I'm adding about 1/2 spoon of ghee. I'm using ghee because again, it's a healthy fat and it's good for the kids. You can use oil if you want. अब ये हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से मेल्ट चुका है और हमने गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है. अब हम इसमें एक स्पून की हेल्प से पैनकेक को रख देंगे. हमने जो पैनकेक के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं उसमें इजीली 4 पैनकेक्स बन जाएगी. एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट शेप ऑफ द पैनकेक बिकॉज ये थिक बैटर है, तो ये कोई भी शेप में आप बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो. अब हमें इसको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे ही पका लेना है. अब ये जो हमारी पैनकेक है वो पूरी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और हम इसको सर्व करने के लिए बच्चों को दे देंगे. द पैनकेक लुक्स सो यम्मी गाइस. इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग एंड शिवांस वाज हंग्री बिकॉज इट वाज टाइम फॉर हिज ब्रेकफास्ट. एज यू कैन सी दैट शिवांस इज एंजॉयिंग हिज ब्रेकफास्ट. ही लव्स दिस पैनकेक द वन आई मेक. यू शुड ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ योर किड्स लाइक इट और नॉट. चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की. तो बनाना में हाई अमाउंट में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6 होता है और ये बनाना बच्चों की वेट गेन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. और ब्लूबेरीज़ में होते हैं बहुत ही अच्छे विटामिन्स और ये आई साइट को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. Okay, now it's 10:30 and it's time for his first snack. So usually I give whatever fruits I have at home. So today I had some watermelon and grapes, so I just cut into the small pieces and he's enjoying it. To make choles for babies, we are going to need 1/2 cup boiled chole, 3/4 onion puree, 3/4 tomato puree. ये मैंने पहले ही मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हुई है. मसालों के लिए हम चलते हैं 1 स्पून धनिया पाउडर, 3/4 हल्दी पाउडर, मिर्ची आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, करीबन 12 से 15 मेथी दाना और 1 स्पून जीरा. यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है और सॉल्ट पर टेस्ट.
छोले बनाने की रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पैन। मैंने गैस का फ्लेम रखा हुआ है मीडियम पे और मैं यहाँ पे 1 स्पून घी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ये ऑयल में भी बना सकते हो, पर मैं घी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम ये हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है और हम इसमें डाल देंगे जीरा, हम इसमें ऐड कर लेंगे मेथी दाना। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हल्दी पाउडर एंड चिली पाउडर। अगेन दिस इज़ फॉर बेबीज, सो यू कैन एडजस्ट द चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अनियन प्योरी और हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो न जाए। एज यू कैन सी दैट द अनियंस आर गोल्डन ब्राउन एंड नाउ वी कैन ऐड टमेटो प्योरी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेना है और अच्छी तरह से करीबन 2 से 3 मिनट तक उससे पका लेना है। एज यू कैन सी दैट जो अनियन और टमेटो की जो प्योरी थी वो अच्छे से मसालों के साथ घुल गई है और अच्छे से पक गई है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट पर टेस्ट एंड धनिया पाउडर। एज यू कैन सी दैट जो हमारे बाकी के सारे मसाले थे वो भी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 3/4 कप वाटर। यू कैन एडजस्ट द वाटर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, हाउ थिक और थिन यू वांट द ग्रेवी फॉर द रेसिपी। और हमें पानी को भी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है और अब इसे हम लीड ढक के करीबन 1 से 2 मिनट के लिए उसे पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप बॉइल्ड छोले और हमें इसे भी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है। अब हम इसे अच्छे से हिला लेना है और अभी 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे लिड ढक के पका लेना है। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी जो छोले है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस टाइम पे अब अपना गैस का फ्लेम है जो ऑफ कर सकते हो और आप देख सकते हो कि ये कितनी अमेजिंग यमी बन गई है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। एज यू कैन सी द छोले लुक्स सो यमी। ये बच्चों को खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसका कलर और टेक्सचर भी बहुत ही परफेक्ट है बच्चों के लिए। मेरा बेटा इतनी ग्रेवी नहीं खाता है तो मैंने थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनाई हुई है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। एज यू कैन सी शिवांश इज एंजॉयिंग हिज मील एंड द टाइम इज 2:30 PM। To make mango smoothie, we are going to need 1 small mango. I already chopped the mangoes and around 3 spoons of milk. Now I already added the mangoes into the mixer grinder and going to use about 3 spoons of milk. I'm not going to add any sugar because it's not healthy and the mangoes are already so sweet, so you can skip the sugar if you want. अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारी जो मैंगो स्मूदी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। As you can see how Shivansh is enjoying his mango smoothie. He loves mangoes, so it's a really good idea to make a smoothie out of it because it's summer time and babies needs to be hydrated and you can give more fruits as possible to your child. So this is his second snack and the time is 5 PM. So for dinner, I'm going to make vegetable dal for Shivansh. So for that, I'm using around 9 to 10 leaves of spinach, about 1/2 cup of carrots, 3/4 cup of beetroot, and just a bit of broccoli to add some greenery into his dal. Also, 1 spoon each of tur dal, moong ki dal, and masoor ki dal. In the process of making dal, I'm going to use one patila and just adding all the dals and just washing it off. After washing, I'm going to use about 1/2 cup of water into it.
ऑल्सो मैंने 2 pinch ऑफ सॉल्ट डाला है और 3/4 spoon हल्दी पाउडर, 3/4 spoon धनिया पाउडर एंड 1 pinch ऑफ चिली पाउडर. यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप इफ़ यू वॉन्ट, दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शनल. ये सारे मसालों को अच्छी तरह से दाल में मिक्स करके हमने जो वेजिटेबल्स लिए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड कर दूंगी. अब दाल को अब हम उबालने के लिए रख देंगे. उसके लिए मैंने एक कुकर लिया हुआ है और आधा कप पानी डाल के दाल को रख दिया हुआ है और हमारा फ्लेम मीडियम पे ही रखा हुआ है और इसको 4 सीटी होने तक इसको अच्छी तरह से पका लेंगे. अब ये हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि बीट रूट होता है तो ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं खा सकते. मैंने दाल में बहुत सारे वेजिटेबल्स का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि स्पिनच, उसमें होता है बेटा कैरोटीन एंड विटामिन ई, जो उन लोगों बच्चों की विजन क्लियर करने में हेल्प करता है. ऑल्सो कैरेट्स में होता है बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में फाइबर्स, विटामिन K1, इट्स एंटी ऑक्सीडेंट एज वेल. और बीट रूट में होता है विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर एंड सब जानते हैं कि ये ब्लड फ्लो पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. और ब्रोकली में होता है हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन के, एंड दोनों ही बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है. You can add any vegetables according to yourself. You just have to make sure that you are adding multiple varieties of vegetables into your child's meal so they can get all the nutrition from different vegetables. And as you can see, Shimas is enjoying his dinner and the time is 8 p.m. I hope this video is helpful to you guys and put smile on your face. If you do like it, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'm always grateful to you guys. Thank you so much for watching. Love you all.